नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। पिछले कुछ वक्त से मैं देख रहा हूं जो भी आप लोग मुझे अपने बनाए हुए रैप सॉन्ग या कवर सॉन्ग्स वगैरह कमेंट सेक्शन में भेजते हैं, अलग अलग वीडियोस में या फेसबुक पे, और मुझे जब भी कोशिश करता हूं, जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं आप लोगों के रैंडम वीडियोस पर कमेंट की रिप्लाई करता हूं, फेसबुक पर मैसेज का रिप्लाई करता हूं, जब भी नहीं तो मेरी टीम करती है। और तो मैं अलग अलग लिंक मुझे जब भी वक्त मिलता है दिखते रहते हैं और मैं क्लिक करके हमेशा सुनता हूं। मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप लोग बेस लाइन को थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपका उस वक्त ध्यान ही नहीं गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके गाने की ओवरऑल रिदम है उसमें बेस लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम बेस लाइन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। उससे पहले आप जा सकते हैं youtube.com/devnextlevel, ये मेरा YouTube है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं 2 मिनट ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, और भी वहाँ पर इस तरह के लेक्चर्स वगैरह आते रहेंगे। मीनवाइल मेरी बीट्स वगैरह और मेरे गाने, रैप सॉन्ग्स वगैरह और भी चीज़ें इसके ऊपर हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साउंडक्लाउड है, soundcloud.com/devnextlevel, मैं यहाँ पर अपनी साउंड्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, instagram.com/devnextlevel, मेरे ज़्यादातर अपडेट्स यहीं पर आते हैं। और ये है फेसबुक, ओह वाह क्या तस्वीर है, facebook.com/devnextlevel, इसको भी ज़रूर लाइक कीजिए। बात करते हैं हम वापस अपनी बेस लाइन के ऊपर। मैं यहाँ पर एक आपके सामने बेसिक रिदम बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर लिया, चलिए बड़ी हल्की एक मैंने किक ली और एक सिंपल हम स्नेर लेते हैं। बढ़िया लग रही है। मेट्रोनोम मैंने किया ऑन और इसे लूपेबल बना लेते हैं। इसे और आगे तक लेकर जाते हैं, चलिए हम यहां तक ले जाते हैं। तो चलिए, दो मैंने यहां पर स्नेर लगाई, थोड़ी हैट भी ऐड करते हैं। इतना ठीक है, ये हटाते हैं। अब ये मेरी एक रिदम है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पर कोई मेलेडी लगा दूंगा, कोई पियानो लगा दूंगा, और बेस के नाम पर हम क्या कर देंगे, कोई 808 लगा देंगे। हम किक पे जाते हैं और कोई 808 ले लिया इंटरनल, या कोई ज़बरदस्त हमने कोई सैम्पल पैक लिया और बाहर से 808 लगा दिया। आजकल 808 का बड़ा जी चलन चल रहा है, तो लो जी बम, ये बेस आ गई। लेकिन ये वो बात नहीं है, बेस लाइन अगर आपको इस तरह की रैप, हिप हॉप, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो बेसलाइन की क्या इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप कोई सॉफ्ट, रोमांटिक, सैड काइंड ऑफ म्यूज़िक बना रहे हैं, जो अकूस्टिक साउंड्स हैं, अकूस्टिक ड्रम हैं, जिसके अंदर कोई ट्रैप या डबस्टेप वाली की स्नेर हमने यूज़ नहीं की है, उसमें बेसलाइन का क्या होगा, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कोई भी एक VST लेता हूँ, मैं लिया हार्मलेस, और इसमें से कोई बेस लेते हैं, सुन के देखते हैं। चलिए अच्छी लग रही है, राइट क्लिक, पियानो रोल, एक कहीं भी मैंने टक रखा और मेरे सामने ये चीज आ गई है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, बेस लाइन भी मेलोडी के हिसाब से ही लगेगी। बेस लाइन ये नहीं है कि मैंने कहीं भी, चलिए नीचे यहां पर एक बेस यहां लगा दी और एक यहां लगा दी, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, कुछ फील दे रहा है, कुछ गानों में लगा भी होगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन हम इसको एक सही, मेरी जो ड्रम सेक्शन ऊपर चल रहा है उसको एक अच्छी रिदम किस तरह से मैं दूंगा, आइए देखते हैं। पहले मैं ऊपर ले गया सो दैट मैं इजीली कोई अच्छी मेलोडी बना सकूं। मैं 2 ऑक्टेव ऊपर काम करूंगा,
मैंने क्या किया, इसे किया सिलेक्ट कंट्रोल, नीचे की डायरेक्शन यहाँ ले आए, एक और नीचे देखते हैं कितनी बेस देगा। राइट, मैंने इसे थोड़ा पीछे किया, मैं यहाँ गया और मैंने इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। पहले क्या थी, चलिए मैं इसके साथ और लगाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक FL की ले लेता हूँ, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम, बेसलाइन ऐड करते ही देखिएगा रिदम क्या बनती है। या चेक, हियर वी गो, बेस लाइन ही है जो आपकी असली रिदम देगी। बंद करते आपको लगेगा एकदम खाली हो गया, देखना मैं बीच में ऑफ करके आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं मेन जो रिदम है, जो डम चटन जटन अडिश चटन डम चटन डन अडिश चटन डन। सो हम हमेशा गलती क्या कर रहे हैं, मेरे पास जितने भी लिंक्स आ रहे हैं मैं चेक कर रहा हूँ, बेस लाइन को उतनी आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। बेस लाइन मेलेडी के हिसाब से लगाइए, प्रॉपर एकदम फील में। अब इसके साथ मैंने वो कॉर्ड हटा दी है, कुछ और देखते हैं। इसको पकड़ा, शिफ्ट प्रेस किया, ये थोड़ा सा मेरे हाथ में आ गया है और इसे मैं ले गया नीचे और इसकी मैंने वेलोसिटी थोड़ी कम कर दी। ऊपर वाले को पकड़ा, थोड़ा सा मैं ऑल्ट प्रेस करके हल्का ऑफ। राइट, तो इस तरह के कोई गाने, रैप सॉन्ग हो गए, कुछ हो गए, कोई एकूस्टिक गाना है जैसे आठ मरतबा आप गाना सुनोगे, हुनहोर बहाने लाना तन बदवाल का जो मैंने बनाया था, उसके अंदर आप बेस लाइन देखिए किस तरह से है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं किक के नीचे बुम करती हुई बेस लगा दूंगा, फिर बेस लाइन और किस तरह से होंगी। मैं इसे बंद करता हूँ, चलिए ये किक मैं हटाता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं कोई ये वाली किक लेके देख लेते हैं। ये हटाया इसे, और ये कैसी थी, अच्छी है। कोई और स्नेयर देख लेते हैं लगा के, यहाँ जाते हैं। थोड़ी सी आउट की बंद, थोड़ी वापस खोलते हैं और मैं कोई अपनी फील के हिसाब से टैप करता हूँ। ठीक है, 80 के हिसाब से हम लेते हैं, लगाते हैं कुछ। ये पकड़ा, इसे हटाया और लव जी। लाइन 1/2,
वन बाय फोर, चलो पीछे, ये पकड़ा शिफ्ट, यहां ले आए, ये भी उड़ाया, ये पकड़ा वापिस ऊपर, इसे कर दिया लाइन। अब हम सुनते हैं बेसिक मेरा ड्रम सेक्शन क्या बना। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने ले लिया, अब हम बेस लाइन की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं यहां क्लिक करता हूं और मैंने लिया सिट्रस, या छोड़िए फ्लेक्स लेते हैं। VST आजकल ये बहुत ग्रो कर रहा है, इनके पीछे से बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स भी आ रहे हैं। मैंने टैग पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिया बेस, मैंने यहाँ पर कर दिया है ऑल, बेस आ गई हैं काफ़ी सारी, देखिए 808 वगैरह काफ़ी कुछ पड़ा है। चलिए लेकर देखते हैं, राइट क्लिक, कहीं रख दिया, वही वापस आ गया, ऑफ किया, मैंने की ली, टुडुम 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 टुडुम, फिर ऊपर चला गया, इसे खोला लाइन वन बाय टू, इसे पीछे, ये लिया नीचे की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन, शिफ्ट, फिर पकड़ा, ये आ गया, आ गया, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, वन बाय थ्री बीट, वन बाय सिक्स बीट, थोड़ा सा कर दिए इसे पीछे, फ्लेक्स खोला, यहाँ पर बस एक कट ऑफ और भी सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं, फिल्टर की हो गई, यहाँ हम डिले वगैरह और चीज़ें भी छेड़ सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैं इसे ले गया मिक्सर में, मैंने वहाँ पर जाके लिया EQ, राइट क्लिक, और मैंने यहाँ पर लिया है हाई पास फिल्टर, टाइट इसका वो कर दिया है और स्टीप, और मैं इसे तकरीबन 25 या 28, चलिए 28 27 इतने पे ही काटता हूँ, इससे नीचे की मुझे बूम नहीं चाहिए, मैं 30 पर ही लेकर जा रहा हूँ, और इधर से मैं काट देता हूँ, मुझे एक चाहिए लो पास, थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करेंगे, वेव शेपर लेते हैं, फ्रूटी वेव शेपर, हल्के से हारमोनिक्स हुए ऐड, अब मैंने इसे किया और नीचे, तो मैं इसे ऊपर ही रखता हूं, नीचे मुझे मजा नहीं आया, मैंने किया कंट्रोल सी, बाहर गया और मैंने एक और पैटर्न लिया और वापस वही हार्मलेस वाली जो थी, पियानो रोल कंट्रोल वी, ठीक है, बेस लाइन आनी मेरी शुरू हो गई है क्योंकि नीचे क्या लग गया, अब ये जो मेरी
हार्मलेस वाली है, इसे भी मैं ले गया किसी नंबर में, 6 नंबर में मिक्सर में, और यहाँ पर जाके मैंने क्या लिया, मैक्सिमस। मैक्सिमस में जाके मैंने क्या किया, मैंने इसे किया मास्टर पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है जो अगर आप हिंड पैनल में देखें, मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ तो वो स्टीरियो सेपरेट हो रहा है और यहाँ मर्ज हो रहा है। मैंने इसे कर दिया बिल्कुल मर्ज 100%, ये होगी मोनो, बेस मेरी मोनो होनी चाहिए सो दैट वो मेरी लेफ्ट या राइट चैनल की फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये टेक्निकली कैसे है ये मैं आपको किसी और लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगा, नहीं तो ये काफ़ी डिटेल यहीं पर हो जाएगी। आइए सुनते हैं एक एक चीज़ करके कि क्या था। पहले सिर्फ ये है, ओके, यहां पर मैं गया, ये 3 नंबर में था शायद, नहीं कहां था, इधर था, मैं बिल्कुल ही लो काट देता हूं। रीजन, क्योंकि लो जो है वो मैं नीचे वाली बेस लाइन से ले ही रहा हूं, इसका सिर्फ मुझे 5 चाहिए, तो मैं अलग तरह से इसका ग्रूव देखूंगा। रेजोनेंस थोड़ी सी काटी, और ये जो मैंने लो काट दी है क्योंकि वो लो आएगी यहां से, अब मैंने साथ क्या लिया, हम एक और 808 टाइप कोई चीज ले लेते हैं, एक और फ्लेक्स, ठीक है जी, टैग्स, बेस, ऑल 808 पड़ी है, सुनते हैं, चलिए बढ़िया लग रही है जो सामने आई। ऊपर गए, ठीक है, ये मैंने यहां से काटा, अब मैं ये सिर्फ किक के नीचे रख रहा हूं, बाद में देखिएगा क्या बनेगा। ठीक है, ये है, मैं सिर्फ ये 808 रखता हूँ, किक रखता हूँ और स्नेर रखता हूँ, हैट रखता हूँ। अब आप देख रहे हैं जब तो अकेली 808 आती है मस्त सुन रही है, जब अकेली किक आती है तो भी सही सुन रही है, लेकिन किक और 808 जब इकट्ठी आती हैं तो एक दूसरे को वो परेशान करना शुरू करती हैं। थम एक फर शुरू में आपको सुनी, क्यों, क्योंकि दोनों लो फ्रिक्वेंसी हैं, लो फ्रिक्वेंसीज दोनों की जो है वो आपस में लड़ रही हैं। क्या किया मैंने, डबल क्लिक, किसी नंबर में ले जाते हैं, ट्रैक पे क्लिक किया, अपने आप वो 3 नंबर में गया और उसका नाम भी उसने वहां पर रख दिया केक। मैंने यहां पे क्लिक किया और मैंने ले लिया एक पी कंट्रोलर, इसे कर दिया बंद, ओके। और जो हमने अभी एक दूसरा फ्लेक्स लिया नीचे वाला, यहां क्लिक किया और इसे मैंने किया कंट्रोल एल, ये चला गया 4 नंबर में, वेरी नाइस। और इसके अंदर मैंने एक ले लिया फ्रूटी बैलेंस, चलिए हम इसी को कर लेते हैं। वैसे फ्रूटी बैलेंस क्या है, वॉल्यूम नॉब है, अंदर से होता है, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं यहीं से बताता हूं। राइट क्लिक, लिंक टू कंट्रोलर, यहां क्लिक किया, सिर्फ पीक, LFO भी नहीं, ये LFO वाला भी नहीं, सिर्फ पीक। यहां क्लिक किया, मैपिंग फॉर्मूला इन्वर्टेड, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं साइड चेन कर रहा हूं। जिन लोगों को साइड चेन का नहीं पता, दृश्यूर प्रोडक्शंस में अंदर जाके सर्च कीजिए, बहुत पहले मैंने एक साइड चेन का भी लेक्चर बनाया था, आपको समझ आ जाएगा। एक्सेप्ट किया, अब आप देख रहे हैं डकिंग इफेक्ट शुरू हो गई, जब किक आती है तो मेरी बेस नीचे चली जाती है और जब मेरी किक चली जाती है तो बेस वापस आ जाती है। मैं यहां गया और मैंने अपना पीक कंट्रोलर, अरे किधर गया, इस पर था ये पीक कंट्रोलर, मैंने यहां पर खोला और जो मेरा बेस वॉल्यूम है उसको ये रखा। ये जो वॉल्यूम है ये बताएगा कि आपने कितनी डक करनी है, जो मेरी नीचे वाली बेस है वो कितनी दबे, मतलब किक आने पर। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, कोई 10-20%, जब किक आती है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए, तो बस 4-5 dB सिर्फ शुरू में टक करती है, बाद में बेस वही रहती है। अब मैं यहां गया
और मैंने क्या कर दिया, ये लिया स्नेयर और हैट, डबल क्लिक करते हैं, अकेला सुनते हैं। नाइस, नीचे सुना तो अगर आप 808 यूज करना चाहते हैं इस तरह से करें, साइड चेंज करें और थोड़ा ट्यून, ये भी देखिए फिर वो बेसलाइन की तरह मेलोडी वाली चीज आ गई और आप देख रहे हैं ज्यादा कूल लग रही है। ये बंद किया मैंने, लेयरिंग की, अगर मुझे लेयरिंग वाली बेसलाइन चाहिए एक लो फ्रीक्वेंसी की एक मिड और लो की, वो क्या करेगी अलग ही फ्लेवर दे देगी जबकि ड्रम सेक्शन मेरा एग्जैक्टली सेम है। मिड वाली बंद की, साथ ये चलाई, अब जैसी ढुम भुम ये आ रहा है देखिए किस तरह के फेजिंग इश्यूज वगैरह आना शुरू हो गए हैं। उसके लिए फिर आपको और EQ ट्यूकिंग लेवलिंग साइड चेनिंग वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। मैं सब कुछ इंटरनल स्टॉक प्लगइन से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बाद में प्रॉब्लम आती है, बट सबको चाहिए कि सीरम से बेस बनानी है, सीरम से बेस बनानी है, तो आइए सीरम लेते हैं। पैटर्न किया चेंज और एक सीरम लिया, आ गया मेरे पास सीरम बाय डिफॉल्ट 100 वेव। आप यहाँ गए, बहुत सारी आपने बेस वगैरह ले ली, कोई प्लग देव नेक्स्ट लेवल के सैंपल पैक वगैरह हैं वहाँ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीसेट पैक अभी आने वाला है, सैंपल पैक अभी अवेलेबल है। तो ये मैंने यहाँ से कोई प्रीसेट नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं आया मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे यहीं से कुछ बनाते हैं। यहाँ क्लिक किया और मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुक रहे, पकड़ के रखेंगे। राइट क्लिक पियानो रोल, ओ ये वाला नहीं, स्लाइड वाला नहीं, सिंपल ये रख दिया जी, बाहर आ गए। ओके अब हमारे पास ये है, अभी ये मैं नीचे लेके जाऊंगा तो बेसलाइन हो जाएगी, अभी ये ऊपर है, इस पर किया मैंने क्लिक और हम क्या करते हैं इसको मैंने कर दिया 1/6 में, ठीक है यहां गए 1/2। मैंने यहाँ से लिया फिल्टर ऑन किया और यहाँ पर मैं एक हाई पास फिल्टर ले लेता हूँ,
हाइपर डायमेंशन मैंने ऑन की, साइज किया थोड़ा कम, मिक्स लेवल थोड़ा सा इसे बढ़ाया, ठीक है। अब कोई भी एक बेस लाइन मुझे चाहिए, ये कौन सी थी, ठीक है, डडम डडम, ओके, इसको किया बंद, फिर एक अकेला रख दिया ताकि मुझे वहां पर दिखता रहे, एक दो तीन, और ये मेरी एफ शार्प पे है। आपके वाला तरीका जहां से हम शुरू हुए थे, आप सिर्फ किक के नीचे रख देते हैं, चलिए उसी स्टाइल में देखते हैं। अब ये पूरा नहीं रखना है क्योंकि यहां तक आते हुए वो दूसरी जो डब बेस है, डब स्टेप वाली जो ग्राउल कर रही है, वो तो इसको कैंसिल करने लग जाएगी। तो पहले कौन मिक्सिंग के तरफ जाके सोचेगा कि मैं मिक्स करूंगा तो इसे संभाल लूंगा, पहले ही साफ कर लेते हैं। यहां हम ये कर सकते हैं। अब जब मैं इसे थोड़ा सा आगे भी ले जाऊंगा, वो उसके अंदर चला जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देख रहे हैं क्या मस्त चीज बनी है। अकेला हम इसको ही अगर सुने, इसलिए बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोच रहे हैं ये फेजिंग इशू वगैरह, ये कैंसिलेशन और फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें बीच में क्या आ गई। उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, मैं एक एक अकेली अकेली फ्रीक्वेंसी सुनता जाऊं और जो फ्रीक्वेंसी मुझे मस्त लगे एग्जैक्टली उसी सिंगल फ्रीक्वेंसी की बेस लाइन मैं यूज़ कर सकता हूं, कोई बेस बना सकता हूं। किस तरह से, आइए देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। 3x ऑसिलेटर, मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टॉक प्लगइन से करेंगे, लेक्चर लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है आप लोग आगे पीछे करके लगे रहेंगे और किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला है। इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर एक साइड पे स्क्रीन हो, एक साइड पे कॉपी पेन हो, पूरा लेक्चर देखिएगा। आप आगे पीछे करके ढूंढते रहेंगे, कोई जादुई चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे, कोई स्टेरॉयड मिल जाए जिससे दो दिन में बॉडी बन जाए सिक्स पैक, ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। हम लेते हैं एडिसन लेते हैं, चलिए, राइट, ठीक है, तो किससे भी ले लेते हैं। लेने का तरीका क्या है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ऑडियो एडिटर पे क्लिक किया, एडिसन आ गया, नहीं तो आप यहाँ जाके भी सिलेक्ट करके एडिसन ले सकते थे, ठीक है। लो गायब भी हो गया, बहुत आसान। फिर ले लेते हैं, राइट क्लिक, और ये हमारे पास चीज़ आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस खाली जगह को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं थोड़ी सी एक जगह बना रहा हूँ, मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट की बस एक खाली जगह को, मुझे इतनी खाली जगह मिल गई है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लीजिए मुझे और खाली जगह मिल गई इतनी, राइट, बाद में मैं उसे उड़ा दूंगा, ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ दिखाने वाला हूं कि एक ऐसी बेस चाहिए मुझे जो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पर हो। रन जनरेशन साइन जनरेटर, मैं एक साइन वेव 100 भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, मैंने साइन पे किया और मैं यहाँ पर लूँगा 37 हर्ट्ज़ की लेकर देखते हैं, कोई फेजिंग नहीं, कोई वॉल्यूम में छेड़ नहीं, बस रन 37 हर्ट की ये फ्रीक्वेंसी अकेली 37। अगर आप लोग सिर्फ मोबाइल पर सुन रहे हैं तो आपको कुछ नहीं सुन रहा होगा, स्पीकर पर देखिए इस लेक्चर को या हेडफोन्स में, राइट, चलिए मैंने इसे पकड़ा और मैं बाहर ले आया और इसे किया मैंने रीनेम और मैंने लिखा 37 हर्ट्ज, ठीक है, डबल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, एडिट इन ऑडियो एडिटर, एक और आ गया, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, रन कराया, जनरेशन साइन जनरेटर,
मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ 37 यहाँ लगा के देखा जच रही है नहीं जच रही है, 38 जच रही है नहीं जच रही है, करते करते मैं किसी नंबर पे आया 44 ओके अरे 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 ये रही, तो ये 44 आ गई ठीक है, ये मैंने 44 वाली ले ली है, यहाँ क्लिक किया और कहाँ गया रीनेम, ये रीनेम कर दिया 44 हर्ट्ज़। चलिए अब देखते हैं, डबल क्लिक डी क्लिक इसका हटा देते हैं, मतलब लगा देते हैं सॉरी, मैंने कहा ये तो नहीं जची, ये लगा के देख लेते हैं एकदम यहां पक्के टाइम पर, चलिए देखते हैं। ये लो एक ये रख लेते हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग सुर पे वो चल रहा है, फिर से वही बेस लाइन मेरी मेलोडी में आनी शुरू हो गई और अच्छी भी लग रही है अगर आप हेडफोन्स या एक अच्छे वूफर वाले स्पीकर में ये लेक्चर देख रहे हैं। तो बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप इंटरनल से कीजिए चाहे एक्सटर्नल से कीजिए, लेकिन एक ये चीज़ ज़रूर लेकर चलिए, मेरा ड्रम मेरी किक मेरा ये हैट इसमें मेरा रिदम कंप्लीट नहीं होता, जो मेरा रिदम सेक्शन है बेस लाइन 70% किक और स्नेयर इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके ट्रांजिएंट देने को, टक ठिश टक ठीक, लेकिन जो बीच की चीज़ है जो आपकी मेन रिदम है वो आपकी बेसलाइन ही बनाएगी। तो मेलोडी में बेसलाइंस बनाइए, और अगर आप सिंपल ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी जगह बस 808 रख दूंगा या कोई ज़्यादा बेस वाली तगड़ी किक लगा दूंगा और तगड़ी किक लगा दूंगा, तो वो नहीं होने वाला है, वो खाली है। आप बोलोगे मैं तो बड़ा तगड़े सैंपल पैक यूज़ करता हूं, अभी मेरा गाना खाली खाली क्यों दिखता है, आप बेसलाइन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस वजह से वो दिखता है। राइट, सिंपल लेक्चर लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से गुजारिश करूंगा आगे पीछे मत कीजिएगा, फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इत्मीनान से देखिएगा, बेसलाइन को इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तवज्जो दीजिए। आप लोग जो भी मेरे पास अपने लिंक्स वगैरह भेजते हैं मैं सुनता हूँ, आप फिलहाल इसे निगलेक्ट कर रहे थे इसलिए मैं चाह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताऊँ। फिर से बात करते हैं, facebook.com/devnextlevel इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम है इसको ज़रूर 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 फॉलो कीजिए, देखिए अभी भी कोई स्टोरी वहाँ पर चल रही होगी, मैं हमेशा कोई ना कोई अपडेट अपने अपडेट्स वगैरह आपको देता रहता हूँ, कहीं भी मैं वीडियो शूट पे जा रहा हूँ कोई रिकॉर्डिंग पे हूँ इंस्टाग्राम पर मैं सारा दिन स्टोरी या कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और प्लीज़ ये youtube.com/devnextlevel ये मेरा YouTube चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट ट्यूटोरियल सीरीज़ लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं 2 मिनट LFO 2 मिनट 3x ऑसिलेटर वोकोडेक्स ऑडियो स्पेक्ट्रम वीडियो कैसे बनाएं ये भी मैंने अभी इसमें बताया था 2 मिनट वाले में, और मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ 80-90% मैं स्टॉक प्लगइन्स जो FL Studio के अंदर के ही होते हैं उन्हीं के बारे में बताऊं, क्योंकि एक्सटर्नल आपके पास कई बार नहीं होते हैं। और ये मेरा साउंडक्लाउड है soundcloud.com/devnextlevel इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव साइनिंग आउट, नमस्ते।